Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, guys. Today in this video, I'm gonna show you the complete underground domestic water tank details and the complete pump room details. So I'll show you. So guys, here is my pump room, and that are four water tanks. Okay, from initially I'll show you. Guys, there you can see the middle pipe is coming from the municipality. You can see that is here the Kahara in Khatar. The Kahrama is responsible for a water supply. So guys, you can see, and the pipe goes into the water tank. गाइज आप देख सकते हैं वहाँ से जो मिडिल का जो पाइप आ रहा है वो आ रहा है म्यूनसिपालिटी से कहारामा की लाइन से. सो वो आप देख सकते हैं ये जा रहा है ऐसा ही आया. देन इट गोज इनटू ऑल फोर वाटर टैंक्स. गाइज ये है हमारी जीआरपी वाटर टैंक्स. गॉट इट गाइज? आप देख सकते हैं ये टैंक का इनलेट हमेशा वाटर टैंक का जो इनलेट है म्यूनसिपालिटी से टैंक का इनलेट वो हमेशा ऊपर की तरफ में होता है. सो वो रहा हमारा इनलेट. ओके गाइस, सेम लाइक दैट ओनली फॉर अदर टैंक्स. यू कैन सी दिस इज टैंक टू इनलेट, एंड गाइस यू कैन सी this is our tank 3 inlet, and at last that is tank 4 inlet. Okay guys, we have 4 GRP tanks. Okay guys, and at the outlet of tank I'll show you the connection. Guys, you can see here at outlet we have 2 outlet connection. Why? Because actually here it should be only 1 outlet. Here are 2 outlet because we have 2 pumps. So this line is going into one pump, and that line is going into another pump. So this is the gate wall. Okay guys, these are the flange connections, and here we used all the PPR pipes. Okay guys, high pressure pipe, and this is PPR pipe. We connected it with the flange. So guys, you can see. Okay guys, तो आप देख लिए ना guys, ये जो water tanks है 2 outlet आ रहे हैं. 2 इसलिए, actually 1 outlet it should be here because यहाँ हमारे पास 2 pumps है. Okay guys, so I'll take you to the pump room. और गाइज आप देख सकते हैं वाटर टैंक का हमारे पास बैक साइड से जहाँ से इनलेट है ये पीछे से हम लोग ने इधर आउटलेट ओवरफ्लो का पाइप रखा है. ये ओवरफ्लो है, और ये रहा ड्रेन पाइप का, और ये जा रहा है बाहर हमारे पास. यहाँ पे आउटसाइड में चैनल ग्रेटिंग है, वो सीधा वो चैनल ग्रेटिंग में जा रहा है ड्रेन पाइप. ओके ओके गाइस, ये ड्रेन हो गया और ये इनलेट पाइप हो गया, और रहा डिस्चार्ज. सो गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ से 2 पाइप, जैसा कि वो टैंक का मैंने अभी बताया था. ये टैंक का मैं इजीली पंप के खरीद हुआ ये टैंक, इसीलिए इसका डिटेल में बताऊँगा. तो ये 2 डिस्चार्ज पाइप आ रहे हैं. यू कैन सी गाइस, these are going into 2 pumps, going to this one pump and this is another pump, right? Guys, ये है हमारे transfer pump. Guys, बहुत से engineers का ये doubt है कि transfer pump होता क्या है और booster pump होता क्या है. So guys, just simple, LO का internal mechanism, pump का mechanism तो बिल्कुल same है. Just ये जो transfer pump है, it transfer to the overhead tank. It transfer the water to overhead tank, right? और ये पंप चलता है फ्लोट स्विच पे. ओके गाइस, इसका जो ऑन एंड ऑफ जो प्रिंसिपल है वो फ्लोट स्विच पर चलता है.
ओके गाइस, और जो बूस्टर पंप है वो चलता है प्रेशर गेज के, प्रेशर गेज पर, बस डिफरेंस उतना ही है दोनों में। ये ट्रांसफ़र करता है पंप, इसलिए इसको ट्रांसफ़र नेम रखे हम लोग। ये ट्रांसफ़र करता है वन टैंक टू अनदर टैंक, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्रांसफ़र पंप। एंड इट वर्क्स ऑन फ्लोट स्विच, एंड बूस्टर पंप वर्क्स ऑन प्रेशर गेज, एंड इट बूस्ट द वाटर डायरेक्टली टू द फिक्सचर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बूस्टर पंप। ओके गाइज, सो गाइज बैक टू द पॉइंट, ये रहा सक्शन लाइन गाइज, ये है, ये इनलाइन पंप है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स, नॉर्मली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है इनलाइन पंप्स, हॉरिजॉन्टल स्पीड गेज पंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट्स अनदर टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल इन अनदर टॉपिक्स अबाउट द पंप्स। सो गाइज, दिस इज द इनलाइन पंप, इनलाइन पंप, वाई वी कॉल इट एज इनलाइन, बिकॉज यू कैन सी द सक्शन एंड द डिस्चार्ज आर इन लाइन। ओके, यू कैन सी द सक्शन एंड डिस्चार्ज आर इन लाइन, ओके, यू कैन सी गाइज, राइट गाइज, दिस इज द सक्शन लाइन, एंड यू कैन सी हियर दिस इज द गेट वॉल, कपलिंग गेट वॉल, एंड गाइज सी हियर दिस इज द डिस्चार्ज पॉइंट, राइट, यू कैन सी द प्रेशर, ना प्रेशर 50 PSI, राइट, इट्स अराउंड 3 bar और 3.5 bar लाइक देता, so it goes into the building roof tank, here from here it goes to the roof tank, and for this pump also to another roof tank. Okay, there we have 110 villas, this is the villa project, we have 110 villas, so this pump is pumping to some other villas, this pump is pumping to another villas like this, and also we have another tank at another location. So I hope guys you got the complete knowledge, and guys you know these are the pressure vessels, these are the pressure vessels, okay guys, assalamu alaikum, Allah barakatuh.